सी चेक। नाउ दूसरा मोस्ट कॉमन चीज जो यूज होता है वो है XLR टू XLR। ये कन्वर्टर है, इसके एक साइड में मेल XLR है, दूसरे साइड में फीमेल XLR है। व्हाट एग्जैक्टली डिफाइंस अ मेल एंड अ फीमेल? सो लॉजिकल स्पीकिंग, कनेक्टर्स हैविंग होल्स आर फीमेल, कनेक्टर्स हैविंग पिन आर मेल। ठीक है, जनरली गोज एवरीवेयर। ठीक है, सो अगर मैं ये है मेल, मैं जिसमें इसमें डाल रहा हूँ दैट इज फीमेल। ठीक है, सो XLRs मोस्टली आर यूज फॉर मास्टर आउटपुट्स, जिससे हम बड़े बड़े स्पीकर लगाते हैं। नहीं, ये स्पीकर लगा हुआ है, प्रशांत कैन यू जस्ट स्विच ऑफ दिस? ठीक है, मैंने अभी इसको फिलहाल स्विच ऑफ किया है। ये मैंने उसके आउटपुट के लिए XLR यूज किया है। ठीक है, सो दिस इज मेल और फीमेल, दिस इज फीमेल, करेक्ट, लॉजिक गोज देयर। ओके, और उसके साइड में वहां पे वो मेल होगा। ओके, क्योंकि अगर आपने किसी को XLR टू XLR केबल बोला तो उसके अंदर एक साइड मेल आएगा और दूसरे साइड फीमेल आएगा। इसको भी थोड़ा सा लॉजिकल समझते हैं। जो भी चीज से थ्रू आउटपुट निकल रहा है, जो भी चीजों के थ्रू सिग्नल निकल रहा है, वो उसके अंदर जो डिवाइस रहेगा वो मेल रहेगा, बिकॉज वो निकल रहा है फॉर आउटपुट। या फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मिक्सर एंड इट हैज एन आउटपुट, तो वहां पे जो कनेक्टर लगा होगा वो मेल होगा। नाउ स्पीकर्स में आउटपुट आ रहा है, कहीं से सिग्नल आ रहा है, सो वो उसके अंदर फीमेल कनेक्टर पॉइंट होगा। ठीक है, सो दैट हम लोग जब एक केबल को लगाते हैं तो इट इज ऑपोजिट वाइस वर्सा। सो सिर्फ स्पीकर में ही नहीं, इवन इफ यू सी XLR ये क्रॉस ओवर्स वगैरह, उसमें भी आपको फीमेल दिखेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ से आउटपुट सिग्नल जा रहा है और वहां पे सिग्नल आ रहा है, और उधर से सिग्नल अगर जाता होगा तो वो मेल होगा। ओके, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो दिस वॉज XLR टू XLR। तीन है इसमें, एक ग्राउंड बोलते हैं अर्थिंग। XLR को अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट एंड राइट होता है वो। These are called balanced output. These are called balanced output, and these are called unbalanced output. Now why? Let me actually explain. मैं इसको भी लगा के मैं स्पीकर ऑन कर सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने XLR लगाया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं ये केबल से मास्टर आउटपुट दे रहा हूँ तो ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 फुट तक का लेके जा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। Then it will actually start losing the signal. डिले वगैरह आना शुरू हो जाएगा या क्लियरिटी खत्म हो जाएगी। बट XLR यू कैन इवन टेक 1000 फीट अवे, जिसमें आपको डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। सो दीज आर मोर सेफर, मोर बेटर, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड आउटपुट एंड दीज आर अनबैलेंस्ड आउटपुट। ठीक है, क्लियर है, डन, एनी क्वेश्चंस विद दिस? श्योर। तो तीन केबल्स मैंने बताया, आई विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स, कि जहां पे आप उस नोट्स को देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन से केबल्स को हमें डिटेल्स में बताया गया है। ओके, ऑलराइट, लेट्स कम टू द प्लेयर नाउ। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं प्लेयर्स को। ठीक है, पहले लॉजिकल लगाएंगे हम लोग, इसके ऊपर ये नहीं करेंगे कि ये कितना डिफिकल्ट है और इतना बड़ा दिख के आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब ये टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे प्लेयर्स। आपने कभी यूज किया है कोई भी DVD प्लेयर या एनीथिंग लाइक दैट? Yeah, so have you used their functions? Have you operated their function? So you know that play, pause, stop, ठीक है? ये बटन को आप समझ रहे हैं, ये क्या है? Play, pause. अच्छा, logical ये है, तो ये play करता है गाना, ठीक है? Clear है? Play and stop. खाली stop का यहाँ पे दिया हुआ cue. I'll explain you why this button is called Q instead of stop, okay? Because here you can actually mark from where you need to actually start. नहीं, वो यहाँ पे है। आप अगर देखोगे track forward, देखिए ये forward, ये reverse, ये common factors है। एक DVD player में ये common factors है, common switches है, ठीक है? ये गाना next के लिए है, ये गाना previous के लिए है, ये भी देखा है हमने। So this button is not new for you, correct? प्लेसमेंट्स अलग है, हम लोगों ने DVD में ऐसे देखे हुए मोस्टली। सो इसमें ऊपर है, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। अब कुछ और चीजें देखेंगे कि दूसरी चीज क्या है। अब मेरे को बताइए, जब हम DVD से प्ले करते हैं तो कौन सा केबल लगाते हैं स्पीकर पर डालने के लिए?
इज दिस द वन राइट. सो वैसे इसके थ्रू भी मैंने एक्सएलआर डाला हुआ है, आई कुड हैव इवन यूज दिस, बट इसका आउटपुट आपने वो डीवीडी प्लेयर का आउटपुट डायरेक्ट किसमें डाला, इसमें स्पीकर में, बट इसमें इस पे आ रहा है. ओके, दिस इज कॉल्ड मिक्सर, जहाँ पे बहुत सारे इनपुट्स एक साथ आते हैं. यू कैन ट्विक हियर. डीवीडी प्लेयर में आपको ऑप्शन नहीं है कि यू कैन रिमूव द बेस अनलेस एंड टिल वो लोकल मेड हो, जिसके अंदर इनबिल्ट एम्पलीफायर है. बट अगर आप सोनी वगैरह का देखोगे, उसमें अंदर आपको ईक्यू वगैरह नहीं मिलेगा. ईक्यू के लिए आपको आपका स्पीकर पे आपको काम करना है, जिसमें आपको बेस हाइस मिड्स वगैरह दिए. बट इसमें यहाँ पे आपको यहीं पे दिया है कि इन केस इफ यू वांट टू यूज, और कल हमने जो साउंड इंजीनियरिंग का किया था उसमें हमने 20,000 का हर्ट्स पे देखा, तीन बैंड डिवाइडेड, वो तीन ये है. आपके कार स्टीरियो में भी ये तीन दिखेगा. देखिए, दिस इज बेस, दिस इज मिड, दिस इज हाइस, एंड इट्स कंप्लीटली सिंपल. बहुत सारे लोग इतने सारे वो नॉब्स देख के ना डर जाते हैं. But then keep that in mind. Learn one and everything is same. वो effects है. Don't worry about it. ठीक है? क्या है? जो भी चीजें मुझे मालूम है कि जहाँ पे आपको complication होने वाला है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा unless and until you are very friendly to the player. दोस्ती हो गई तो फिर हम आगे को पहचानेंगे उसकी. ठीक है? क्योंकि potential हमें हम directly paragraph लिखना नहीं शुरू करते. First we start A for apple. Then फिर हम लोग एक एक word use करते हैं. So right now you are in that stage. कि आपको एक एक चीज मुझे समझानी है. ठीक है?